नमस्कार। सीटेट का जो आपका सीरीज है प्रीवियस क्वेश्चंस का, उसमें से एक नया प्रश्न मैं लेके आई हूँ जो सीटेट के 2016 के 1 to 5th में आया हुआ है। यह प्रश्न है वाइगोत्स्की के सिद्धांत से। इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। देखिए, सीखने के कई तरीके होते हैं और उन तरीकों में भी कई मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार की बातें बताई, लेकिन अगर हम उनकी जो थीरीज हैं उनको नहीं जानेंगे तो हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखा जाए तो जो ये प्रश्न है उसको आप समझिए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, दूसरा है जब परिपक्व होते हैं तो सीखते हैं, तीसरा आपका अनुकरण से सीखते हैं, चौथा है आपका वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। ध्यान से समझिएगा, बच्चे सीखते इन सब जो काइंड्स जो दिए हुए हैं प्रकार, इन सब तरीकों से सीखते हैं, क्योंकि पुनर्बलन से सीखते हैं, आपने स्किनर में पढ़ा है। परिपक्वता से सीखते हैं तो जैसे मतलब आप बड़े होते रहते हैं, एज के अनुसार उसे बढ़ता रहता है, जैसे पियाजे की कुछ थ्योरीज कहती हैं। तीसरा अनुकरण देखा जाए तो अनुकरण और अवलोकन बंडूरा के अनुसार आप मान सकते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत दिया है उसके अनुसार बच्चे जो सीखते हैं वह वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। ये कौन सा टर्म है आपका? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज़्यादा वरिष्ठ हों उनके सहायता से आप क्या करते हैं, सीखते हैं। साथ ही साथ ZPD में भी जो आपका क्षेत्र बढ़ता है, जो ZPD होता है वो भी किससे होता है? इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं से परस्पर अंतःक्रिया से। अतः इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन D है।